1 year went, two years pass by and एक discussion हुई थी class में दोबारा इसके ऊपर, I teach depression also ना. So depression के अंदर एक biological theory ये है कि आप females के अंदर biologically जो gene आता है वो bipolar का ज़्यादा आता है compared to males. ये एक biological scientific proven theory है. So उस पर मैंने एक line मार दी, मैंने कहा so you know even science proves that biology and female males are different. अच्छा जी, उस पर एक क्लास में एक डिस्ट्रप्शन हो गई, ये हो गया वो हो गया. टू डेज लेटर आई एम कॉल्ड इन टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड सेज कि आप तो कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कर रही हैं क्लास में. एंड आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन. सो दे वर लाइक यू नो वी आर एन इंक्लूसिव स्कूल एंड यू नो वी डोंट अप्रिशिएट कि यू नो इस तरह बात करें और हमें जो ना सबकी मेंटल हेल्थ को जो ना वो देखना पड़ता है. एंड इफ चिल्ड्रन चूज टू बी समथिंग देन यू शुड एक्सेप्ट इट. अच्छा, मैंने कहा अच्छा तो मेरी इंक्लूसिविटी कहाँ गई, इस्लाम की इंक्लूसिविटी कहाँ गई ना. अगर आपकी मैं ले रही हूँ, आपकी नॉनसेंस को एक्सेप्ट कर रही हूँ तो वेयर इज माइंड. खैर बात तो ख़त्म हो गई. मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर लेटर मैं बैठी हुई थी एक दिन और मारी और मोरिस की वीडियो देखी. बस वो कहते हैं ना फरागत. मैं सुबह का टाइम था, आई जस्ट टुक द कैमरा एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ कौम लूत का एक वाकया बयान किया था. उसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा. एंड में एक लाइन मैंने बोली थी कि भाई हो के दो कब्र आपको अपनी जानी है, आप उनकी कब्र बन जाओ, किसी को सब छोड़ दो, डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी. मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ये जो लोग हैं ना, एक होता है ना कि कहते हैं नमाज समझ से 5 वक्त नमाज राइट, वो कितना ज़रूरी क्यों होता है, बिकॉज अल्लाह की रहमतें बरसती हैं आपके ऊपर. And I used to judge people, to be honest, ki, not a hijabi, oh my God, nail polish par ke namaz padhti hai, you know. But now I've stopped doing that. Because agar koi haq baat kare na aaj, sometime in the future I will see them change. And I've seen them change. Main toba karti hu, ki, ya Allah, who was I to judge, right? To maine kaha, yaar, you know, itne ye gande log hote, because I've understood what Allah ki lanat means now. Khubsurat tareen kuch log hote hain, but wo hamein pasand nahi hai. Jitna bhi ho wo nahi pasand aa rahe hote na, matlab dekhne ko to imagine if someone looked like that, right? Uske baad I got the backlash. I realized how disgusting they are. Matlab wo is level tak pahunchte ke jo aurat march pe jo unhone baatein ki thi ki matlab in an aurat march how are you talking about an aurat like this, right? It goes against all in any normality, intellect, anything, right? Khair. So I was very depressed. I remember, अच्छा you guys, if you follow me, I'm very I'm very happy go lucky. मुझे कुछ इफेक्ट नहीं करती जिंदगी में. But my husband told me, he said, you know, तुम 6 दिन से तुमने smile नहीं किया है. For me, I was like, me really? Because yeah, you know, you haven't smiled. तुम बच्चों को focus ही नहीं कर रही, वो कुछ बात करते तुम जवाब नहीं. Clearly, I was somewhere else, right? I was like, पता नहीं क्या करना है, क्या करना है. This is so difficult. This battle is so difficult. Job भी जाएगी मेरी, school भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है. बहुत backlash school से आई थी. उन्होंने कहा था you need to shut down your social media. अच्छा मैंने कहा social media तो मेरा है ना. नहीं, you're affiliated with the school. How can you talk about such things? People's rights, people's feelings. I remember I was sitting one day, call आई मुझे रात को. I think it was around 10 PM, 11 o'clock ऐसा कुछ था. And youth club वाले थे. And they said, हम आपका नंबर कब से ढूंढ रहे हैं और वी हैव फाइनली गॉट योर नंबर. कल सुबह हमारी एक मीटिंग है लाहौर में एंड वी वॉन्ट यू टू कम. एंड मुझे कल सुबह कहते हैं कि हाँ आप अगर हो सकते हैं, वी जस्ट गॉट योर नंबर. आई टोल्ड माय हस्बैंड चलते हैं, यू जस्ट नेवर नो, राइट? सो एंड आई से कहते ना, हर मर्द के पीछे एक औरत होता है, मेरे पीछे एक मर्द है. माई हस्बैंड इज लाइक सबके पीछे, मतलब यू हैव टू गिव देम क्रेडिट. यू डोंट नो हाउ मच दे टेक फ्रॉम सोसाइटी बिकॉज ऑफ व्हाट वी डू ऑनलाइन. यू नो वी कम ऑनलाइन, वी से आवर स्टफ, बट पीछे द स्टफ दे हियर यू कांट इवन इमेजिन. सो खैर, आई केम ओवर हियर, इट वाज एन अमेजिंग मीटिंग. दैट इज वेयर वी फॉर्म दिस फैमिली. आई डोंट कॉल इट फ्रेंड्स, आई कॉल इट फैमिली, बिकॉज ट्रूली आई वॉज पार्ट ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडी सर्कल इन कराची. वहाँ पे बहुत सारे ये जो यही भरे हुए होते हैं मीडिया में, एज यू वुड इवन नो कि यही भरे हुए होते हैं. एंड ये यू नो दे गेम ए वेरी टफ टाइम, दे कैंसल्ड मी कम्प्लीटली. सो आई वाज़ लाइक, यार मेरे तो कोई ऑनलाइन यू नो एक इन्फ्लुएंसर कोई दोस्त ही नहीं है. एंड गॉड गेव मी देम. वो कहते हैं नीयत आपकी सही होती तो अल्लाह गिव्स यू. खैर ये एक मुझे पहला जो है ना एक अल्लाह की तरफ से था कि यू नो यू नीड टू कंटिन्यू दिस. सेकेंड आई कहते ना एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो औलाद के लिए हम सब कर रहे होते हैं. तो माई हस्बैंड आई वेयर जॉब वाले, हम कोई वो नहीं है, कोई यू नो पीछे से कोई हमारी नहीं है बैकिंग वगैरह, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेटल्ड.
तो जब कॉलेज ने मुझे दोबारा बुलाया आफ्टर दिस वीडियो एंड दे सेड यू डोंट नीड टू शट द थिंग डाउन, तो आई वेंट बैक टू माय हस्बैंड. मैंने कहा क्या करूँ यार, ये मतलब अब डिसीजन लेना है कि चले या नौकरी पा जाएगी. ही सेड अल्लाह के लिए करो. ओह माय गॉड, 11 इयर्स ही वाज एंड वी नेवर थॉट वी चेंज जॉब्स. ही जस्ट गॉट एन ऑफर फ्रॉम अनदर प्लेस एंड आई लॉस्ट माय जॉब. आई सेड, दे सेड कि वी आर नॉट गोइंग टू कीप यू बिकॉज आप यू आर अ डेंजरस टीचर, डेंजरस. ही केम होम मंडे, ही सेड जान तुम्हें पता है कि तुम्हारी सैलरी कितनी थी ना कॉलेज में, तो लेट्स एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, मेरी 10,906 रुपए थी सैलरी. ही केम होम विद हिज इंक्रीमेंट लेटर, इट वाज 10,906 रुपए. आई वाज शॉक्ड आउट ऑफ माय लाइफ एंड ही सेड, देखो जान, गॉड इज टेलिंग यू कि रिस्क देने वाला अल्लाह है. What you said, बरकत वाली बात. बरकत जो हमारे पीपल सी माई लाइफ स्टाइल इंस्टा, जैसे आप कौन है भाई, आप क्या जायदाद है आपकी, नहीं है. द लाइफ स्टाइल आई लिव इज वे बियॉन्ड वॉट वी अर्न. बरकत डालते अल्लाह, मैं तो खैर टाइम में नहीं देखी बरकत, अल्लाह करे वो भी हो जाए, लेकिन मैंने पैसों में बरकत देखी है, हक पे खड़े होने की, और सेकेंडली दूसरों को देखे. जितना मैंने सदका दिया ना, कहते ना अल्लाह 70 टाइम वापस देगा, चुन चुन के आपको कहीं से बोनस मिल जाएगा, आपको कहीं से कुछ मिल जाएगा, आपको पता नहीं होता. सो माई टेक अवे फ्रॉम दिस होल थिंग एंड माई मैसेज इज भाई के नीयत आपकी सही होनी चाहिए. अगर आप वाकई में अल्लाह के लिए करोगे ना, वी फॉरगेट, वी थिंक के वो जॉब देगा, वो पैसे देगा, वो इज्जत देगा. तो इज्जु मन तशा व तुजिल्लु मन तशा है, वो उसके अंदर बहुत डेप्थ है कि वाकई में जो देने वाला है वो अल्लाह ही है. एंड इफ़ यू रिमेंबर दिस एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ एंड यू बिलीव इन इट. हम कहते हैं बहुत कुछ है, बिलीव नहीं करते हम. देखो मेरा भी ईमान स्ट्रॉन्ग नहीं था, आई केम हूँ, मैं आस पास बन क्या करना है, बट कभी कभी अल्लाह कहता है यार अब काम करने पड़े, तो आई विल सपोर्ट यू. तो प्लीज़ स्टे ऑन द हक. एंड अगेन वही वाली बात मैं सबको कहती हूँ कि यार यू डोंट नो योर पावर. लोग मुझे मैसेज करते हैं, हम करेंगे, हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा. मैंने कहा आपके 10 फॉलोअर हैं ना, 10 फॉलोअर ने शेयर कर दी वो स्टोरी, 10 फॉलोअर ने शेयर की, उनके क्या पता 200 फॉलोअर हो, उनमें से एक को इन्फ्लुएंसर हो. हमें ये जो नैरेटिव है ना, मैं बताती हूँ, अगर आप देखो मारिया को जब भी गालियाँ पड़ती हैं ऑनलाइन, आप कमेंट्स पढ़ो. मैं तो आई एंजॉय, आई कम फॉर द कमेंट्स. ओ हो भाई, ऐसे लोग अभी अली क्या था एंड में बिला बचा मारिया मेरे को बना वे जाहिल. तो मतलब लिटरली द कमेंट्स लाइक व्हाई यू ब्रिंग हर इन, वेयर इज शी, बट ही वांटेड टू से रेलेवेंट. बट मैं बताऊं, अवाम जो है ना वो हमारे साथ है. Yes. अवाम हमारे साथ है, और ये जो ऑनलाइन ये कुछ कीड़े हैं ना, ये बहुत कम है, बट दे आर लाउड.